नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। वक्त हो चला है खबरों के फटाफट शो यूपी 32 का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश विदेश और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। यूक्रेन में जंग की तैयारी, रूस बॉर्डर पर तैनाती के लिए अमेरिका के 8,000 से ज्यादा सैनिक हाई अलर्ट पर, ब्रिटेन ने भी पुतिन को धमकाया। इंडोनेशिया के नाइट क्लब में दो पक्षों में हुई भिड़ंत, आग लगने की घटना से 19 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएम सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, थामा भाजपा का दामन। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आरपीएम सिंह बोले, 32 साल कांग्रेस में रहा लेकिन अब वो पार्टी ऐसे नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। भाजपा में शामिल होने वाले आरपीएम सिंह पर गुस्साई कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इस लड़ाई में डरपोक और कायर नहीं लड़ सकते। पंजाब में 27 जनवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पार्टियों के फ्री गिफ्ट वादों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। देश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में मिले 2.5 लाख नए केस, 614 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ भीषण सड़क हादसा, 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की हुई मौत। मध्य प्रदेश में अमेजन के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, भारतीय झंडे का अपमान करने का लगा आरोप। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 939 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, 189 को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिलेगा परम विशिष्ट सेवा मेडल। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,583 नए केस, 18,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा वो खुद को समाजवाद कहते हैं लेकिन इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा। प्रयागराज में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव रोज सोचते हैं कि आज कौन सा झूठ चलेगा। यूपी चुनाव को लेकर JDU ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, लखनऊ कैंप से आशीष सक्सेना को दिया टिकट। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज है। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती, आगरा में होगी पहली जनसभा। बरेली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे JP नड्डा, 28 जनवरी को करेंगे जिले का दौरा। बरेली में PPE किट पहनकर नामांकन कराने पहुंचे 19 बार चुनाव लड़ चुके वैदराज किशन, CM योगी के खिलाफ भी ठोकेंगे ताल। भाजपा से बगावत कर बसपा में शामिल हुए योगेश पटेल समेत 9 उम्मीदवारों ने कराया नामांकन। गणतंत्र दिवस पर यूपी में अलर्ट, DGP मुकुल गोयल ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में बदला रहेगा यातायात, विधानसभा के सामने होगा झांकियों का प्रदर्शन। मायावती का विपक्ष पर हमला, बोली सभी पार्टियां गुंडों व माफियाओं को संरक्षण देकर यूपी को जंगल राज में ढकेल रही। असदुद्दीन ओवैसी ने जारी की 27 प्रत्याशियों की लिस्ट, 4 हिंदू उम्मीदवारों को दिया टिकट। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान, कहा अच्छा है कि CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रयागराज में नौकरी के लिए प्रतियोगी छात्रों ने रोकी ट्रेन, रेलवे ट्रैक पर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस बल ने हटाया। स्वदेशी ओम से होगी ओमिक्रोन की पहचान, CDRI ने तैयार की किट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों पर अधूरी जानकारी देने पर 13 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। हापुड़ में सपा रालोद गठबंधन के 2 प्रत्याशियों समेत 57 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, कोरोना नियम तोड़ने का आरोप। ICC महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा नंबर 1, मिले 726 रेटिंग पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका ने IPL 2022 की मेजबानी करने का किया दावा, BCCI ने कहा फरवरी में लेंगे फैसला। आज के लिए बस इतना ही, देश विदेश और उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।